आपका काम है जगाने का, जगाते रहो। दुनिया के लोग अपशब्द कहते रहेंगे, ताना देते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे। आप अपना खर्च अदा करो, आप अपना कर्म करते रहो। एक व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा, मुर्गा कौन सा है, कैसे पूछा, दुनिया के लोग मुझे जीने के लिए। व्यक्ति मुर्गे से कह रहा है, दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं कहते, बड़ा हुआ काट देते। दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते, तुझे काट देते। दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते, काट कर खा जाते। व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा, तो मुर्गे ने जवाब दिया, भैया केवल एक कारण है, लोग मुझे इसलिए काट देते हैं क्योंकि मैं सुभाष से लोगों को जगाने का काम करेगा। दुनिया मुर्गा है जगाने का, मैं सुबह से लोगों को जगाने का काम करता हूँ, इसलिए लोग मुझे काट देते हैं। और ये दुनिया के लोग यही ऐसे जो सत्य बोलेगा, आगे बढ़ेगा, जो तुम्हें जगाने का काम करेगा, जो तुम्हें जनमानस में कुछ परमात्मा की भक्ति प्रदान करने का कार्य करेगा, जो जनमानस में तुम्हें जगाने का काम करेगा, दुनिया के लोग उसको काटने का काम करते हैं। कैसे भी उसको पीछे गिराओ, कैसे भी उसको फोन करो, कैसे भी उसका पाँव पकड़ के गिराओ, कैसे भी उसको नीचे लाना, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जितनी उनकी केमिस्ट्री होगी, जितना उनके अंदर मल भरा होगा, जितनी उनके अंदर गंदगी भरी होगी, वो सारा निकाल देंगे। भले वो कुछ भी करें, पर वो अपने भीतर की सारी जगाना, भले मर गया पर जगाना बंद नहीं करा। उसी तरह आपका काम है आगे बढ़ना और जनमानस को जगाना, पीछे मत हटना। जमशेदपुर कांता नगर से आए, मेरा मोबाइल नंबर कहीं बैठी हूँ, कहा जिला अगर कहीं बैठी हूँ, गणेश साहब सोनारी जमशेदपुर टाटा नगर से। मेरा मोबाइल नंबर यह है, मेरे पापा श्री रंगी राम साहब ससुर जी के मुंह में घाव हो गया और अचानक से मुंह में ब्लड आना शुरू हो गया। हम सोच में डूब गए, ऐसा क्यों हो रहा है। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको कैंसर बता दिया। हम डर गए, ऐसा कैसा हो गया, रोने लग गए। इतनी बड़ी बीमारी हमारे पिताजी को, मेरे अपने पिताजी नहीं थे, सास ससुर को ही माता पिता मान ली, और पिताजी के शरीर में इतना बड़ा रोग देख कर अब कहीं ससुर का साया भी मेरे सिर से ना हो जाए, बड़ा रोग होगा। डॉक्टर से डॉक्टर विनती करी कि इनको जल्दी ठीक कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि आपके शब्द का कैंसर पूरे मुंह के अंदर हो गया है, ऑपरेशन की जरूरत है। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन का थोड़ा सा समय मांगा और मेरी माँ और भाभी ने कहा तुम चिंता मत करो, बाबा को भरोसा करो, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, बाबा सब अच्छा करें। मैं अपने घर के पास वाले शिवालय में जल चढ़ाने के लिए बाबा को विनती करती, थोड़ा पानी घर ले आती, पापा को थोड़ा थोड़ा कुंडकेश्वर महादेव का नाम देकर 10 दिन तक पानी देती और बाबा देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाती। मैंने बाबा की ऐसी कृपा, हम दूसरी बार जब डॉक्टर को जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा घाव सही हो गया है और कैंसर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, उसमें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी है, कहीं बैठी हूँ, कहा जिला ऐसा हूँ सोनाली जमशेदपुर टाटा नगर से आई, मेरा मोबाइल कहीं बैठी हूँ, कहा शिव तत्व की प्रार्थना।